तो यार ये है एक गैस लाइटर, एक सिंपल सा मतलब एक लाइटर है जिसका यूज़ हम सब करते हैं अक्सर। और इस चीज़ को आपने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, इस चीज़ को आपने कभी ना कभी इसको ज़रूर देखा होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इस चीज़ के अंदर का राज क्या होता है, यानी कि ये जो चीज़ है लाइटर, इसके अंदर जो है ये सब काम कैसे करते हैं, लाइटर के अंदर होता क्या है। तो वीडियो में आज हम यही देखने वाले हैं कि इस लाइटर के अंदर क्या होता है, और इसी लाइटर को हम खोल कर देखेंगे, इस लाइटर को बिल्कुल अच्छी तरह से सारे पार्ट्स इसके निकाल देंगे और देखेंगे कि लाइटर किस तरह से काम करता है। तो वीडियो में आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो लाइटर के ऊपर ये जो स्टील का ये जो कवर लगा होता है, पहले हमें इसे उतारना होगा। दोस्तों मैंने लाइटर्स के ऊपर जो है और भी कई वीडियोस जो है मैं बना चुका हूँ पहले भी, अगर आपने उनमें से कोई वीडियो नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन पर एक उन सभी वीडियोस दिख जाएंगी, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो लाइटर्स के बारे में। मतलब और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब और भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं लाइटर्स के साथ कर चुका हूँ, लेकिन आज हम मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस लाइटर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से जो लाइटर काम करता है। तो मैंने इसका ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है ये उतार दिया, जिसमें से इसमें से जो है मतलब कि जो हमारी फ्लेम होती है वो निकलती है, और इसके ऊपर एक जो छोटा सा एक पिन लगा होता है, जिस जो कि क्या करता है सिंपली, यहाँ पर देखो जब हम इसको इसका जो ये ट्रिगर होता है, देखो इसको हम इस तरह से जो है रखा होता है यहाँ पर, और इसको क्या करते हैं हम इस तरह से जो है प्रेस कर देते हैं। देखो कुछ इस तरह से हम इसको प्रेस करते हैं, तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करते वक्त क्या होता है, देखो जब ये प्रेस होता है तो जो इसके जो यहाँ पर इसका जो ये नोज़ल होता है ये नीचे की ओर प्रेस हो जाता है, यानी कि नीचे की ओर दब जाता है, और जिससे कि यहाँ पर जो है स्पार्किंग होती है, इस चीज़ में स्पार्किंग होती है, और वो जो गैस इसमें से निकलेगी वो गैस इग्नाइट हो जाती है, यानी कि वो जो गैस होती है इसकी स्पार्किंग की वजह से आग पकड़ लेती है। कुछ इस तरह से जो है हमारा लाइटर काम करता है। चलिए इसको और अंदर तक जानने की कोशिश करते हैं कि इसके और अंदर क्या होता है। चलिए और भी इसको इसका ये उतर जाता है कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो अब और देखते हैं इसके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है। इसका ये निकाल देते हैं इग्नाइटर, यानी कि इसके यानी कि ये वाला जो, चलो और देखते हैं क्या है इस लाइटर के अंदर। तो अब मैं इसका जो है यहाँ पर ये एक चीज़ आपने देखी होगी, जो लाइटर को क्या करते होते हैं ये वाला जो चीज़ होती है, हम इसको एडजस्ट नहीं करते इसकी फ्लेम की इंटेंसिटी को, उसका रेगुलेटर देखो कितना छोटा होता है, वो हो जा फोकस नहीं हो रहा, छोड़ो। देखो क्या है यहाँ पर, क्या एक रेगुलेटर देख रहे हो आप, इसको हम इस तरह से जो है घुमा देते हैं जिस तरह से ये काम करता है, और जो फ्लेम की इंटेंसिटी है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कुछ इस तरह से ये भी काम करता है। इसको भी निकाल देते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा है ये, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। निकल गया, ये निकल गया इतना छोटा सा। और यहाँ पर ये जो चीज़ है मतलब ये जो यहाँ पर पिन देख रहे हो यही होता है वो, जो यहाँ पर मतलब इसको प्रेस कर देता है। इसके साथ मतलब एक चीज़ और लगी होती है, जो कि जब हम इसको प्रेस करते हैं ये जो चीज़ है इसको जब हम प्रेस करते हैं साथ ही में ये भी इसके साथ ही प्रेस हो जाती है, जिससे कि गैस रिलीज़ हो जाती है, और वो जो इग्नाइटर जो यहाँ पर इग्निशन होती है मतलब स्पार्किंग होती है हल्की सी, उससे लाइटर हमारा स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसको भी निकाल देते हैं, अब ये हमारा इग्नाइटर निकल गया, देखिए ये ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो, ये हमारा इग्नाइटर है, मतलब ये छोटा सा ये जो चीज़ है जो हमारा गैस लाइटर होता है जिसको हम अपना गैस स्टोव चलाने के लिए यूज़, ये भी वैसी ही चीज़ है, कुछ इस तरह की दिखती है ये चीज़, देखो इस चीज़ से थोड़ा बचकर रहना क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, कभी आप इसको अपने उंगलियों के बीच अगर इस तरह से गलती से दबा दें आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपको शॉक लग सकता है। तो इसको रख देते हैं साइड में और देखते हैं क्या है लाइटर के अंदर। तो यहाँ पर हम इसका ये वाला कवर भी उतार देते हैं, ये वाला जो कैप है इसका ये उतारना थोड़ा मुश्किल है, उतर जा इसको उधर से उतार देते हैं। उतर नहीं रहा, ये उतर गया, ये भी उतर गया, अब हम इसको भी उतार देते हैं, कैप होता है जिस तरह का दिखाई देता है, ये भी हमने उतार दिया। अब चलो और देखते हैं क्या है, कुछ इस तरह का दिखता है हमारा लाइटर, देखो
अब ये भी निकाल देते हैं, जब हम इसको मतलब डायरेक्टली जो है इसका जो इसको खोल देते हैं तो गैस रिलीज होती है। इसे मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने इसके अंदर बैलून लगाया था और बैलून में हवा मतलब जो बैलून के अंदर जो गैस थी वो भर कर देखी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी वो वीडियो, उस वीडियो को भी देख लो। और भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हुए हैं लाइटर्स के साथ में, वो भी आप देख सकते हो। चलिए पहले हम इसको खोल देते हैं, ये भी इस तरह से निकलता है, कुछ इस तरह से इसको खोलते हैं कुछ इस तरह से घुमा कर ये बाहर आ जाता है, कुछ इस तरह का दिखता है ये। ये देखो कितना छोटा सा है, ये देखो। और देखते हैं क्या है इस लाइटर के अंदर। यहाँ पर ये एक चीज़ और होती है लाइटर के अंदर, ये इसके नीचे लगा होता है कुछ, इसके मतलब यहाँ पर बेस पर लगाया होता है इस चीज़ को, जिससे कि जो मतलब स्पार्क होता है वो मतलब बाकी गैस को ना इफेक्ट करे, वरना सारा लाइटर मतलब पूरी गैस जो होती है लाइटर के अंदर वो हमारे हाथ में ब्लास्ट हो सकता है। तो वो सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। और बस यही होता है इसके अंदर का सीक्रेट, यानी कि लाइटर कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक चीज़ और है नीचे देखने वाली, यहाँ पर एक चीज़ और आ गई मेरे पास, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक इसकी पाइप निकल आई। देखो पाइप होती है इसकी कुछ इस तरह की, ये देखो पाइप को जब हम यहाँ से इस तरह से प्रेस करते हैं तो गैस रिलीज होती है, और जिसकी वजह से जो है पाइप मतलब जो जो चीज़ होती है उसकी वजह से गैस ऊपर की ओर आ जाती है। और देखते हैं क्या है इसके अंदर, यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज़ लगाई होती है। यहाँ पर जो है इसके नीचे है, इसके नीचे देखो आप यहाँ पर एक नोज़ल लगा होता है, जिसमें से अगर जिसको हम इस तरह से प्रेस करते हैं, इसको दबाते हैं तो गैस रिलीज़ हो जाती है इस तरह से इसके अंदर। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब मैं इसको दबाता हूँ तो कुछ इस तरह से होता है इसके अंदर, ये देख रहे हो आप, ये देखो। अब देखना, एक नोटिस करना है चीज़, यहाँ पर एक मूवमेंट होगी आप नोटिस करना। ये देखो मैं सिर्फ इसको प्रेस करूँगा, नोज़ल को प्रेस करता हूँ और देखो क्या होता है इसके अंदर, ये देख रहे हो आप, ये देखो इसके अंदर मतलब प्रेशर जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो बस यही होता है लाइटर के अंदर, मतलब लाइटर कुछ इस तरह से हमारा काम करता है। लाइटर मैंने आपको खोल कर दिखाया कि लाइटर किस तरह से काम करता है, लाइटर के अंदर का राज बताया कि लाइटर के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।